Hi everyone, welcome back to my channel. This is Manu Tripathi. So I am going to start with my bachelorette party surprise gift for my sister. So मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है और मैंने कैसे प्रिपेयर किया ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो. तो अभी ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है. मैं उसके प्रिपेयर करने वाली हूँ ब्राइड मेड्स गिफ्ट, क्योंकि मैं एक पार्टी थ्रू कर रही थी सिस्टर के लिए ब्राइड्स टू बी की. सो उसके लिए मैं कैसे गिफ्ट मैंने कस्टमाइज़ किया है जस्ट फॉर हर, और वो सारी चीज़ें ही उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं जो सारे काम आने वाली हैं. और मुझे लगा इससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है. सो आई थॉट टू मेक समथिंग यूनिक काइंड ऑफ थिंग. सो मैंने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करी हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये क्या क्या चीज़ उसके लिए है जो अच्छा है, आप भी गिफ्ट कर सकते हो अपनी सिस्टर को या किसी भी पर्सन को जिसको आप देना चाहते हो. सो आप देख सकते हो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे फैशन एक्सेसरीज एंड स्क्रंचीज गिफ्ट आइटम्स देन स्किन केयर प्रोडक्ट ऑल दो उसके नेल्स के प्रोडक्ट देन मेकअप का सामान देन उसकी लॉन्ड्री एवरीथिंग आई हैड इंक्लूडेड इन दिस बॉक्स. और आई गेस ये सारे ही ब्राइड्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो मैंने ये उसको पैक करके छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाकर उसको दिए. उसके लिए काइंड ऑफ मेमोरी, और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है. सो मैंने एक मेमोरी की डायरी बनाई है उसके लिए, दैट एल्बम हम बोल सकते हैं. सो ये सुंदर सी एल्बम बनाई है, मैं ये भी आपको दिखा दूँगी. आई एम रियली सॉरी, आई ऑलरेडी टैग्ड इट. ये मैंने फोटो फ्रेम लिया है हमारे घर का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, एक फादर और थ्री सिस्टर्स का ये फ्रेम है, बहुत सुंदर. और ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है. तो ये मैंने कैसा मतलब करवाया है मैं भी आपको दिखा दूँगी. सो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये कैसे किया मैंने. सो लास्ट लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग. सो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैकिंग के लिए ना बहुत सारे स्टफ्स होते हैं. स्टेशनरी मार्केट्स मुझे नहीं मिल रहे थे देहरादून में, देन मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था. डोई वाला में तो इतने ज़्यादा मार्केट्स हैं ही नहीं, एंड देहरादून में मैंने लाइक बहुत जगह पूछा फिर मुझे पता चला. सो इफ़ इन केस अगर आपको भी जानना है कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया है और आप शॉप्स का जानना चाहते हो तो आप मुझसे बता सकते हो. आई मेक इट श्योर कि मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में सारे नेम्स लिख के भेज दूँगी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें बहुत मैंने चुन चुन के इकट्ठी करी है उसके लिए. एंड देन ये डायरी मैं काफ़ी पहले से बना रही थी, एंड देन ये फोटो फ्रेम मैं काफ़ी पहले से बना रही बिकॉज ये दोनों ही चीज़ कस्टमाइज है. बाकी सारे आइटम्स सुपर मार्केट के हैं तो ठीक है, चूज़ी है, मिल जाता है. एंड एक और चीज़ गाइस, मैं ब्राइड टू बी की पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ घर पर ही, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ हम उसको पार्टी दे सकते हैं. मैंने उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर किया है चीज़ें. मैंने बैकड्रॉप की सारी चीज़ें ऑलरेडी ले ली है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वो मैं जब बनाऊंगी. सो आई वॉन्ट दैट इट टू सरप्राइज फॉर हर. अभी दिखाऊंगी, आई मीन ये वीडियो मैं तब अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए जब ये पार्टी ओवर हो चुकी होगी. बट समहाउ आई नो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज है तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइज. सो मेरे हिसाब से अगर अपनी सिस्टर को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो आपको यही सारी चीज़ें देनी चाहिए. इंक्लूड करो वो स्मॉल थिंग्स जो कि वो नहीं खरीद सकती. सो ये चीज़ें वो खुद ही मिस आउट कर देते हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं वो कवर अप कर लूँ इन चीज़ों को देकर उसके लिए. और सेकेंडली मेमोरीज़ के हिसाब से मुझे लगा एल्बम एंड फोटो फ्रेम से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है जो कि मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है. सो आई होप कि उसको ये गिफ्ट अच्छा लगे. वॉचिंग माई वीडियो गाइज, कुछ होता है अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड आई मेक श्योर कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ इसी टाइप्स की. एंड एक और चीज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, माई वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट विद एवरी वन. सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.